आपको पता है कि स्टडी पॉइंट आपके लिए लेके आ रहा है 100 स्क्रीनशॉट का एक्यूरेट सॉल्यूशन फॉर MGT 101। जिन्होंने MGT 501 MGT 613 का सॉल्यूशन देखा, उन्होंने पता है कि हम जितने स्क्रीनशॉट का वादा करते हैं उतने स्क्रीनशॉट आपके साथ सामने लेके आते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो फाइलें अपलोड की हैं, अगर आप उन्हें वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। और ये अभी तीसरी फाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपसे शेयर किया था कि जर्नल जब बात हो ना, जर्नल परचेज जर्नल सेल जर्नल, जब भी जर्नल की बात हो तो सब सेल रिटर्न जर्नल परचेज रिटर्न जर्नल, तो समझ लें वहां पे क्रेडिट उधार वाली बात बात हो रही है, उधार वाला रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो परचेज जर्नल जैसे परचेज है तो उधार वाली परचेज यहाँ पे ढूंढने कौन सी है जी, क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, तो ऑप्शन बी लेंगे हम 99 वाला। ठीक है, क्रेडिट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल्कुल ही आज ही अकाउंटिंग देख रहे हैं, तो क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर भी वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, अकाउंटिंग में भी ऐसे ही, परेशानी होना। अच्छा जी, इज डैश इज पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट। अच्छा, जो बिल्कुल ही आज ही वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरी शॉर्ट वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल हैं। आप वो वीडियोस फॉलो करें, मेरी शॉर्ट वीडियोस उसकी 7 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं। अच्छा, डैश इज पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट। देखिए, डेटर जो है ना आपका, जो आपका मकरूज है, आपने उसको चीजें दे दी उधार पे, अभी उसके पास आपके पास जो अकाउंट है ना उसकी आप डेबिट साइड में उसकी एंट्रियां कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में एंट्री तब होगी, किस टाइम होगी, एक तो ये को आपको पैसे दे दे, ठीक है, एक्चुअली वो आपको पैसे देते क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी, या आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है, वो एक ही बात कि आपने 100 लेने थे, आपने कहा यार 95 दे दे पैसे तो दे, तो 5 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक हो गया। या तीसरा ऑप्शन भी बताता हूँ कि उसने चीजें कुछ चीजें वापस कर दी, उसने कहा भाई मुझसे पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो आधी चीजें वापस ले लें अपने, तो फिर भी आप उसको क्रेडिट करोगे। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड उसने लिखा हुआ, हम इसका ऑप्शन लेंगे ऑप्शन डी, और पेज 88 पे जाके वेरीफाई करेंगे हम। और अगर कोई मिस्टेक मिलती है तो आप मुझे फौरन मेरे कमेंट में लिखेंगे कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, जरूर करेक्ट करें इसको, और मैं इंशाल्लाह उसको करेक्ट करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, वो कहना चाह रहा है ये। कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्टर ने लगाई होती है उसको कैपिटल कहते हैं, और मतलब ओनर उसको हम मालिक भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो निकाली है उसने। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन लेंगे, और वेरीफाई करने के लिए आप पेज 15 पे जाके वेरीफाई करेंगे। गुड्स परचेज ऑन अकाउंट, गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। चाहे एक और जो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पहले वीडियोस मेरी देखना, तो बड़ी अच्छी बात, ऑन अकाउंट जब भी वर्ड आएगा तो समझ लें कि उधार। ठीक है, उधार वाला सिलसिला, उसका खाता है आपके पास, कहते नहीं है यार मेरे पास, मेरा उसके पास अकाउंट है, तो एक्चुअली हम उसका अपने जो उसके पास खाता खुलवाया होता है, उधार वाला ही होता है, कैश वाला तो खाता कभी नहीं खुलता है ना, तो उधार वाला जो खाता होता है उसको ऑन अकाउंट के साथ ही इधर कहेगा गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट भी लिखेगा, ऑन अकाउंट भी लिखेगा, अकाउंटिंग है ना, लैंग्वेज है, हमने समझना इसको। तो जब भी गुड्स परचेज ऑन अकाउंट होगा तो इंक्रीज क्या चीज होगी, हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारे फर्ज बन जाएगा अपने पैसे वापस करने हैं। ऑप्शन डी लेंगे। मैंने पेज इस वजह डाला कि ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको मैं क्या पेज में जाके देखता, आप बहुत अगर जिसने शुरू कर लिया वो देखेंगे हर जगह पे यही है बस। अच्छा जी, डैश इज अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ अकाउंट्स। लिस्ट ऑफ नेम ऑफ अकाउंट, हमने उसका नाम बताना है, तो क्या है, क्या किस चीज का, दैट दैट बिजनेस अकाउंट्स आइडेंटिफाइज फ्रॉम द जर्नल एंड प्रिपेयर्स फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अभी ये दो चीजों की बात कर रहा है, जर्नल की बात कर रहा है। जर्नल के अंदर ना बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स डेली बेस में एंट्रियां हो रही होती है, वहां उसकी बेस पे जितने भी अकाउंट बने होते हैं, कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का, सेल का, परचेज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे जी, ठीक है जी, एक्सपेंस का, और सारे जो अकाउंट है ना उसके अगेंस्ट हम ना लेजर के अंदर अकाउंट बनाने होते हैं। अब पहले हमें पता चलेगा ना कितने जर्नल के अंदर क्या क्या अकाउंट बने हुए हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, उन लिस्ट को कहते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स का क्या फायदा, ये लिस्ट के नाम दे देगी हमें, और हम उतने ही अकाउंट लेजर में जाके बना लेंगे। ऑप्शन डी लेंगे हम, पेज 15 पे जाके वेरीफाई भी करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन एसेट। कह रहा है कि एसेट क्या है, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताया था, सेल्स आपका एसेट नहीं है, सेल्स करेंगे उसके अगेंस्ट जो पैसे आएंगे वो कैश अकाउंट के अंदर आएंगे, वो आपका एसेट है। ठीक है, अच्छा जी, अकाउंटिंग पेबल, ये आपकी देखिए आप पेबल है मींस के आप लाइबिलिटी है। प्रीपेड अश्योरेंस, देखिए प्रीपेड जब भी वर्ड आएगा, अगर आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है और आपने कोई चीज नहीं ली, फर्ज करें आप मुझे 100 रुपीज ले लेते हैं, दे देते हैं, और मुझसे वो चीज नहीं लेते, तो आपका तो मेरे एसेट है ना 100 रुपए अभी तक, तो
मैं आपने कौन सा खर्च कर लिया है, तो वो वाला जो प्रीपेड इंश्योरेंस की किस्त आपने पहले जमा करवा दी, तो ये आपका एसेट है, मतलब आपने एडवांस दिया है, लिया नहीं दिया होगा तो तब एसेट है, ठीक है। पेज 170 पे जाकर हम वेरीफाई भी करेंगे इसको। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटिटीज रेफर्ड एज, देख प्रॉफिट का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी बना रही है कि नहीं, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, तो इसका मतलब ये हमें हमारा इनकम स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, और इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहलाती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी पीरियड को रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए लेंगे 114 पे जाके, हम 147 पे जाके वेरीफाई करेंगे। इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट दे दिया डेटर को, होती वही बात आ गई ना, इज क्रेडिटेड डैश क्रेडिट, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा ना, वैसे तो हम उसके डेटर साइड डेबिट साइड में ट्रेस कर रहे थे, उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, भाई 100 ना दे 5 रुपए छोड़ दे 95 दे दे मुझे, तो फिर क्या होता है उसका अकाउंट 5 रुपए से कम करना है ना, तो डेबिट के अंदर अकाउंट जो चल रहा था उसको क्रेडिट, उसको डाउन करने के लिए, कम लाने के लिए तो क्रेडिट करेंगे ना, उसके 5 रुपए निकालेंगे उसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन सी लेंगे, पेज 88 पे वेरीफाई कर सकते हैं हम गुड्स परचेज ऑन कैश, क्या बात हुई, पहले ऑन का अकाउंट कह रहा था, ऑन क्रेडिट भी वर्ड मिलेगा, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट एक चीज है, ठीक है, ऑन कैश भी पैसे दिए चीज ली, ये वो वाला काम करने लगा है। तो ये जब हमारे फिर एक्सपेंस होता है ना, हमारा खर्चा हो गया ना, सब्जी करें आप सब्जी लेने गए हैं तो पैसे दिए और चीज सब्जी लेके आ गए, तो आपका एक्सपेंस हो गया ना, खर्चा हो गया, तो ये वो वाली बात कर रहा है। ऑप्शन सी लेंगे, पेज 85 पे हम वेरीफाई करेंगे। एडवांस रिसीट, रिसीव्ड लिख देता चलो आसान कर देता हमारे लिए, चले रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज, देखिए पीरियड एंड हो गया और आपको कोई एडवांस दे के चला गया कि भाई अगले महीने मैं ना आपसे सामान उठा लूंगा, ठीक है, तो वो आपका आपकी इनकम नहीं है अभी, वो आपकी क्या है लाइबिलिटी, क्योंकि भाई उसने कोई सामान ही नहीं लिया आपसे, वैसे ही जमा करवा के चला गया। पहले हमने क्या देखा था, एडवांस प्रीपेड इंश्योरेंस, मीन आपने एडवांस दिया हुआ था कि अगली भी मेरी इंश्योरेंस की किस्त अभी रख लो आप, अभी एडवांस कोई आपको दे गया तो आपकी लाइबिलिटी बन गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लेंगे, 177 पेज पे वेरीफाई कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, अब कैश बुक का बैंक कॉलम क्या होता है, जिसमें बैंक की बैंक का रिकॉर्ड रखा जाता है, मीन्स कि आपका बैंक के अंदर एक अकाउंट है और उसके अंदर आपके बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, आप अमीर आदमी है और आपने अपने पास लिख रहे हैं डायरी के अंदर कि इतने पैसे हैं, इतने पैसे, मैंने ये चेक भी जमा करवाया, फलाने मेरे अकाउंट में जमा करवाया, तो सारे पैसे जमा हो रहे हैं बैंक के अंदर, तो फिर आप अपने पास भी रिकॉर्ड रखें, तो बैंक कॉलम समझे आपकी डायरी है जो आप रिकॉर्ड रखने बैंक की अमाउंट का, और ये कैश बुक क्या क्यों जिक्र कर रहे, कैश बुक के अंदर ही समझो डायरी है, उसका एक कॉलम उसका भी ऐड किया हुआ आपने, ये टू कॉलम इसको कैश बुक भी कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट इज नीडेड वाइल प्रिपेयरिंग, अभी कहना चाह रहा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में बैंक और बैंक स्टेटमेंट कब चाहिए होती हैं वाइल प्रिपेयरिंग क्या चीज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक हो गया। तो कैश बुक को के बैंक कॉलम को और बैंक स्टेटमेंट आपको कंपेयर करना है जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अगला चलेंगे क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज डेबिटेड व्हेन इट इज इंक्रीज, कौन सा ग्रुप ऑफ अकाउंट डेबिट होगा जब वो बढ़ता है, देखिए जब एज डेब अभी डेबिट ग्रुप के जो मेंबर है ना वो दो हैं, एक एसेट और एक एक्सपेंसिव, इनमें जब भी इजाफा होता है तो उस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, ठीक है, और उनमें जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं, तो ये पूछ रहा है तो वो कौन सा ग्रुप ऑफ अकाउंट हेड है जहां पे अभी डेबिट होगा कि अगर मैं उनको डिक्रीज कर दूं, तो एसेट और एक्सपेंसिव दो ऐसे मेन हेड हैं जहां पे अगर इंक्रीज होते हैं वो तो आप फिर वो डेबिट हो रहे होते हैं। ऑप्शन बी लेंगे, पेज 53 पे हम वेरीफाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, लेजर अकाउंट्स में लेजर के अंदर काफी सारे हमारे अकाउंट्स हैं, हमने उनको टोटल किया, टोटल किया सपोज के 1 2 3 4 10 तक हमारे अकाउंट थे, उनका नाम कोई भी रख लो, अब जो टोटल थे ना, अब तो उसी अकाउंट का हमने टाइटल लिया और उसका टोटल लिया सीरियल नंबर 1 पे लिख दिया, फिर दूसरे अकाउंट का टोटल लिया उसका टाइटल लिया सीरियल नंबर 2 पे लिख लिया, ऐसे लिखते गए तो एक हमारे पास लिस्ट बन गई, तो ट्रायल बैलेंस उसको इस लिस्ट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस, तो लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस इज ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन ए लेंगे, पेज 138 पे जाकर वेरीफाई भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज क्रेडिट इफ द ओनर हैज पेड 500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, देखिए मेरा बिजनेस था, ठीक है, ये मैं बताऊं कि
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें यही होता है कि आपका बिजनेस और आपकी आप अलग अलग लोग हैं, ठीक है। आप बिजनेस से पैसे लेंगे तो आपका भी एक अकाउंट बनेगा, आपका भी खाता बनेगा अकाउंट बिजनेस के अंदर। तो आपने 500 रुपये ले लेंगे बिजनेस से, तो बिजनेस ने आपको कहा है कि भाई आपका खाता बनेगा इधर आपको, ठीक है, आपका बिजनेस, आप ऐसे 500 नहीं ले सकते, आप इधर लिख के जाए। तो जो लिखना है वो हमने कहाँ लिखना है, जाहिर है 500 रुपये निकाले हैं कैश में लिखे ना, कैश अकाउंट में लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो है एसेट ग्रुप का मेंबर है, एसेट ग्रुप में जब चीजें बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, घटती हैं तो क्रेडिट होती है। 500 निकाले कम हो गया तो कैश अकाउंट में डाल दिए, नेट क्रेडिट साइड पे। ऑप्शन बी रहेंगे पेज 59 पे वेरीफाई करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन ये वो बेसिक आइडियोलॉजी, कोई परेशान ना होना, ये कोई पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया नहीं है कि बेसिक आइडियोलॉजी, बस ये है सिंपल, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बैलेंस शीट की, ठीक है, कि बैलेंस शीट किस बैलेंस पे बनाई जाती है, किस फार्मूले पे बनाई जाती है। उसका फार्मूला ये है एसेट इज इक्वल टू, सिंपल है, नजर नहीं आ रहा, इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी, ये प्लस है, प्लस लाइबिलिटीज। ऑप्शन सी लेके पेज 56 पे जाकर वेरीफाई कर लें। डैश इज पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट। देखें जी, जो तीन चीजें मैं स्टार्ट में करवाई थी अभी यहाँ पे इकट्ठी आ गई दो चीजें। देखिए मैं क्या क्या कहा था कि डेटर के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे डिगी होती है, उसको उसको कम करना है तो क्रेडिट होगा ना, तो कैसे कम कर सकते हैं, एक तो ये उस चीजें वापस कर दे, वही मैंने कहा वो भाई कह रहा है मेरे पास पैसे पूरे नहीं हो रहे तो फिर चीजें ही वापस ले ले, दूसरी चीजें ही वापस कर दी। अभी क्या करना है, फिर डिस्काउंट अलाउड, फिर हमने उसको डिस्काउंट भी दे दिया है। तो मतलब कोई गरीब बंदा था, ठीक है, फंस गया उधार लेके, तो ये वो वाला मामला है। तो ऑप्शन सी लेंगे और पेज 88 पे जाकर वेरीफाई करेंगे। और माशाल्लाह से हमने वीडियो 3 कंप्लीट कर लिया है, अगली आने वाली वीडियो का इंतजार करें इंशाल्लाह। 100 स्क्रीनशॉट से पहले बिल्कुल ना आप अपना क्विज अटेम्प्ट करें, और क्वेश्चन मैंने देखा काफी रिपीट हो रहे हैं, बाज़ का रिपीट नहीं होते इसमें रिपीट हो रहे हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है जी। और अगर सही किए हैं सारे फिर भी बता दीजिएगा। ओके जी।